वसंत ऋतु आ गई है, वैलेंटाइन डे भी नजदीक है और मौसम ऐसा बन गया है मानो प्यार हो जाए। आप सबको भी कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार जरूर हुआ होगा। प्यार वो एहसास है जो इंसान को जीने के लिए बेहद जरूरी है। हमें हमारे पेरेंट्स से, हमारे परिवार से, हमारे मित्रों से और हमारे बिलव्ड पर्सन से प्यार होता है। यहाँ पर हमारी चर्चा का विषय रहेगा अपने बिलव्ड पार्टनर से, या यूं कहें कि हमारे जीवन साथी के साथ होने वाला प्यार, जिसे आप लव, अफेक्शन, मोहब्बत, चाहत या उल्फत भी कह सकते हो। लेकिन आखिर ये मोहब्बत हमें होती क्यों है? ऐसे तो कौन से चेंजेस होते हैं हमारे दिलो दिमाग में जो हम प्यार में किसी भी हद तक गुजर जाते हैं? क्या प्यार एक एहसास है? क्या प्यार एक केमिकल लोचा है या कुछ देर तक चलने वाली कोई दिमागी अवस्था है? आइए द नॉलेज में आज प्यार की फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री और सोशियोलॉजी सब कुछ जानते हैं प्यार आखिर किस चिड़िया का नाम है, प्यार क्या है। हकीकत में जब इंसान किसी के प्यार में होता है तब उसके दिमाग का एक खास हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो इंसान को किसी नशे के सेवन के बाद होने वाली अनोखी अनुभूति का एहसास करवाता है। इसीलिए प्यार में इंसान एक जादुई संवेदना महसूस करता है और इंसान प्यार में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। जो व्यक्ति प्यार में होता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और यही बात उसे आम इंसानों से अलग बनाती है। वास्तव में प्यार एक लत है, एक जुनून है और वैज्ञानिकों की माने तो प्यार अंधा होता है, ये बात 100% सच है। लेकिन आखिरकार इंसान के दिमाग में ऐसे बदलाव क्यों और कैसे आते हैं? प्यार का रसायन विज्ञान। मिशिगन की फेरिस स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट फियर्ड का कहना है कि इन सब के पीछे इंसान के दिमाग में मौजूद फेनियल इथाइल एनिमा नाम के न्यूरोकेमिकल का हाथ है। ये रसायन प्यार में पड़े इंसान को उसके पार्टनर की गलतियों को नजरअंदाज करवाता है, उसे अनहद खुशियां महसूस करवाता है और उसके प्रेमी या प्रेमिका को सबसे ऊंचा स्तर दिलवाता है। दरअसल ये रसायन हम सबके दिमाग में होता है लेकिन प्यार में पड़े इंसान में ये कुछ ज्यादा ही मात्रा में उत्पन्न होने लगता है। मजे की बात यह है कि इस न्यूरोकेमिकल का स्तर बहुत लंबे समय तक उच्च लेवल पर नहीं रहता और कुछ 2-3 सालों के बाद यह कम होने लगता है और 4-5 साल के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। ये तो हुई प्यार में पड़ने के बाद केमिकल के अप्स डाउन होने की बात, लेकिन चलिए जानते हैं कि हम आखिर प्यार में गिरते कैसे हैं। प्यार के एहसास की शुरुआत, लव साइकोलॉजी। मनोवैज्ञानिक आर्थर ओरेन के अनुसार प्यार होने के लिए संवेदनाओं के अलावा भी कई और चीजें भी मायने रखती है और आंख उनमें से एक है। ओरेन ने एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया जिनमें उन्होंने अनजान लड़के लड़कियों को 90 मिनट तक एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कहा और उसके बाद 4 मिनट तक सिर्फ उन्हें एक दूसरे की आंखों में देखने के लिए कहा। यह एक्सपेरिमेंट ओरेन ने कई लोगों के साथ किया और इस प्रयोग के बाद ज्यादातर लोगों का कहना था कि आंखों में लगातार देखने की वजह से वो सामने वाले व्यक्ति के प्रति आकर्षित हुए थे। आप मानोगे नहीं लेकिन बाद में इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होने वाले 4 कपल्स ने तो शादी भी कर ली थी और 3 लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। मोहब्बत में नाक भी अहम भूमिका अदा करता है। हर इंसान की त्वचा से एक अलग गंध उत्पन्न होती है और ये गंध नाक के द्वारा दिमाग तक पहुंचती है और दिमाग इसे डिकोड करता है और उस विशेष अजनबी इंसान के जीन्स की जांच करता है। सामने वाले के जीन्स की रचना की जांच कर हमारा दिमाग ये पता लगाता है कि वो व्यक्ति हमारी जीवन साथी बनने के लिए योग्य है या नहीं। डॉक्टर अर्थव का कहना है कि किसी भी इंसान में आकर्षण की प्रक्रिया 80 सेकंड से 4 मिनट तक शुरू हो जाती है। आकर्षण की इस प्रक्रिया में 55% योगदान हमारी बॉडी लैंग्वेज और पर्सनालिटी का होता है, 38% बातचीत के अंदाज का और 7% आप बोलने में कितने कुशल है उस पर निर्भर करता है। रटगर यूनिवर्सिटी की संशोधक और वाई वी लिव पुस्तक की लेखिका हेलन फिशर ने प्यार को कुल 3 हिस्सों में विभाजित किया है जिनमें से एक है तन की चाह, दूसरा मन की चाह और तीसरा है जन्म जन्म का साथ। पहले हिस्से की बात करते हैं जो है तन की चाह या एट्रैक्शन। यह वास्तव में वासना है जो सेक्स हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन नाम के रसायन से पैदा होती है। ये केमिकल सिर्फ पुरुषों में ही नहीं लेकिन महिलाओं में भी उतना ही सक्रिय होता है जो अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए और शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा हिस्सा है मन की चाह यानी अफेक्शन। इस स्टेज के लिए डोपामाइन और नॉन एपिनेफ्रिन नाम के केमिकल जवाबदार है। इस रसायनों को सक्रिय होने की वजह से प्यार जैसा फील होने लगता है।
कुछ सूझता नहीं, नींद उड़ जाती है, चैन खो जाता है और ज्यादातर समय अपने प्रेमी या प्रेमिका की यादों में बीत जाता है। इसके साथ ही सेरोटोनिन भी एक्टिव होता है जो हमें प्यार में पागल सा बना देता है। हेलन का प्यार का डिफाइन किया हुआ तीसरा हिस्सा है जन्म जन्म का साथ, यानी डीप लव। ये अवस्था हमारे जीवन में आकर्षण के बाद आती है जब रिश्ता लंबे समय तक चलता है। इंसान आकर्षण की अवस्था में लंबे समय तक नहीं रह सकता, लेकिन आसक्ति के कारण संबंध लंबे समय तक चलता है जो दो इंसानों को जीवन भर साथ रहने के लिए और परिवार चलाने में मदद करता है। इस अवस्था में हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसन नाम के रसायन उत्पन्न होते हैं जो हमें सामाजिक एकरूपता में मदद करते हैं। अब भाई वैज्ञानिकों के अनुसार या बुद्धिजीवी लोगों के लिए प्यार चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन युवाओं के लिए प्यार एक एहसास है, एक फीलिंग है, एक अनोखा अनुभव है। प्रेमी मानते हैं कि प्यार एक महसूस करने की चीज है जो कुदरत के द्वारा दी गई हमें एक भेंट है। इसलिए प्रेमियों के लिए प्यार का अर्थ सिर्फ प्यार होता है। और आखिर में सच बात कहूँ तो प्यार कोई पागलपंती या कोई केमिकल लोचा नहीं है, बल्कि एक ऐसी जरूरत है जो हमारे सबके जीवन के लिए जरूरी है, जिसके लिए हमारी शरीर रचना के हॉर्मोन्स और मनोवैज्ञानिक कारण अहम भूमिका अदा करते हैं। आज के लिए